हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनएकेडमी। मैं हूं नदीम खान, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं फ्रांस की आप देख रहे हैं फ्रांस की क्रांति। और आज का जो टॉपिक है वो डेस्टिनेशन टॉपिक है बच्चों। एक्चुअली में अभी तक हम लोग कारणों पर बात कर रहे थे, है ना, लेकिन आज जो टॉपिक है वो है बिगनिंग ऑफ द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, यानी क्रांति की शुरुआत। तो आज डेस्टिनेशन टॉपिक है बच्चों, आज फाइनल टॉपिक है। और हम लोग आज देखेंगे कि फ्रांस में जो क्रांति शुरू हुई इतने लंबे समय के बाद, तो उसमें क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, आज हम लोग इसे देखेंगे। बास्तील का जो दुर्ग था, कैसे फ्रांस की जनता ने उसे तोड़ डाला था, तो आज इन सारे टॉपिक्स पर बात होनी है। एक्चुअली में बने रहिए हमारे साथ। और मैं कहूँगा बच्चों कि आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले मैं आशा करता हूं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप बिल्कुल अच्छे से होंगे। और मेरे सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो है आपके लिए बहुत खास। और साथ में एक लाइन किसी ने लिखा है कि ख्वाहिशें दीद हो तो नज़र पैदा कर, ख्वाहिशें दीद हो तो नज़र पैदा कर, ख्वाहिशें दीद हो तो नज़र पैदा कर, तीर खाने की अगर ज़िद हो जो जिगर पैदा कर। तो इसी खूबसूरत लाइन से, और साथ में ये कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुड़े गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुड़े गुलजार होता है। तो बच्चों, इन खूबसूरत लाइन के साथ हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं क्लास को। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी, लेट्स क्रैक इट। आइए मैं यहाँ पर सभी बच्चों से कहूँगा कि बच्चों अनएकेडमी को फुल टू यूज़ करने के लिए, अगर आप अनएकेडमी को कम्प्लीटली यूज़ करना चाहते हैं और रियली इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ डाउनलोड द अनएकेडमी लर्निंग ऐप। अनएकेडमी का जो लर्निंग ऐप है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। और यहाँ पर एक काम करना है बच्चों, सर्च करिए मेरा प्रोफाइल नेम MOHD NADIM। जी हाँ, अनएकेडमी के ऐप पर जो मेरा नाम है वो मोहम्मद, वो अनएकेडमी के ऐप पर जो मेरा नाम है वो मोहम्मद नदीम है। और यहाँ पर बच्चों मुझे फॉलो ज़रूर करिए। मैं बता दूँ आपको फॉलो करने का फ़ायदा, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरी कोई भी क्लास जो अनएकेडमी के ऐप पर होगी या होने वाली है, उसकी सूचना अनएकेडमी के द्वारा आपके मोबाइल पर मैसेज के द्वारा दी जाएगी। तो है कि नहीं दमदार चीज़, तो प्लीज़ फॉलो मी। और बच्चों एक चीज़ और बताऊं, अगर आप अनएकेडमी पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी भी प्रक्रिया इसी ऐप से होगी, यहीं से होगी। मेरा प्रोफाइल नेम मोहम्मद नदीम खोलने के बाद, मुझे फॉलो करने के बाद, नीचे आप देखेंगे तो गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है बच्चों। गेट सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे और प्लान डालोगे कितने साल का आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, उसके बाद जो है बच्चों रेफरल कोड की जगह आप लिखेंगे MNUS, और जैसे ही MNUS यूज़ करेंगे 10% आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ये हैं अनएकेडमी के वो एजुकेटर्स जो अनएकेडमी के ऐप पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, जैसे सुदर्शन गुर्जर सर, जैसे सुदर्शन गुर्जर
जैसे सुदर्शन गुर्जर सर ज्योग्राफी, मृणाल पटेल सर इकोनॉमिक्स, प्रकाश कुमार सर, मुदित गुप्ता सर, रोमन सैनी सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर थोड़ी देर हम रुकेंगे, 2 से 3 मिनट, और बात करेंगे अनअकैडमी के बारे में। तो बच्चों पहली चीज़ तो ये कि आप, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से अनअकैडमी YouTube पर फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराती है, उसी तरह से अनअकैडमी का अपना एक रिजर्व चैनल है, अपना एक रिजर्व पोर्टल है। अगर आप अनअकैडमी से जुड़कर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये जो स्लाइड है वो ख़ास है। मैं बता दूं आपको कि अनअकैडमी पर अगर आप एडमिशन लेकर पढ़ते हैं तो आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपका सिलेबस विद इन 1 ईयर कंप्लीट करवाया जाएगा। आप जिस भी एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं वो एजुकेटर आपको मिलेगा। वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट होगा, है ना। और मेरा मानना है कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक का जो सफ़र है वो आप अनअकैडमी के ऐप से जुड़कर पूरा कर सकेंगे। तो बच्चों देर किस बात की है। पहली चीज़ ये कि अनअकैडमी पर अगर आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो आपको जानना चाहिए कि अनअकैडमी कितने प्रकार से एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करती है। जैसे अनअकैडमी का एक चैनल कहलाता है प्लस चैनल, इस पर भी अनअकैडमी एडमिशन लेती है। ये एक सामान्य एडमिशन की प्रक्रिया है, मतलब नॉर्मली तौर पर यूपीएससी सीएससी के एक स्टूडेंट को जो सुविधाएं चाहिए होती हैं वो सब कुछ उसे प्लस चैनल पर आसानी से मिल सकता है। सारी चीज़ें बच्चों प्लस पे मौजूद हैं। अब ये है कि देखिए, यहाँ पर एक महीने से लेकर पूरे 3 साल तक का एडमिशन प्लान मौजूद है, लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए कम से कम 1 साल या 2 साल या 3 साल का जो समय है वो मिनिमम बच्चों को लग ही जाता है। तो 1 महीने या 3 महीने या 6 महीने का एडमिशन लेने में आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरा सजेशन है कि कम से कम 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए एडमिशन लीजिए। जैसे आप देखिए, 1 साल की एडमिशन फ़ी है 49,500 रुपीज़ ओनली। अब आप मान लीजिए 1 साल का प्लान सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप मेरा प्रोफाइल सर्च करेंगे, मोहम्मद नदीम फॉलो करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और प्लान डालेंगे कि आपको 1 साल के लिए एडमिशन लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास कोई रेफरल कोड है, तो उसकी जगह आप रेफरल कोड की जगह डालेंगे MNMNMNUS, 10% आपकी फ़ीस डिस्काउंट हो जाएगी। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर, यानी 1 साल की फ़ीस है 49,500 रुपीज़। जैसे ही आप रेफरल कोड MNUS यूज़ करोगे 10% ये कम हो जाएगी और हो जाएगी 44,550 रुपीज़। उसी तरह से 2 साल, उसी तरह से 3 साल की जो प्रक्रिया है वो होगी। तो यूज़ करिए रेफरल कोड MNUS 10% डिस्काउंट के लिए। आगे बढ़िए, मैं जिस चीज़ का जिक्र करने वाला हूँ वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यकीन मानिए अनअकैडमी पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक से बढ़िया ऑप्शन कुछ भी नहीं है। आइकॉनिक इसलिए बच्चों क्योंकि आइकॉनिक में है कुछ खास, और वो है जैसे ही आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे वैसे ही आपको एक कोच या गाइड अनअकैडमी की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। जो बच्चे शुरू से तैयारी कर रहे हैं उन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और अगर कोई आदमी हर समय फ़ोन से आपकी मदद के लिए तैयार हो तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा ऑप्शन कोई हो सकता है। जल्दी करिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए, 1 साल 2 साल और 3 साल का एडमिशन प्लान अनअकैडमी के पास मौजूद है, ठीक है। आप इसमें सेम करेंगे बच्चों, जैसे देखिए 1 साल की आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो फ़ी है वो है 69,500 रुपीज़,
रेफरल कोड की जगह डालिए MNUS 10% डिस्काउंट हो जाएगा आपकी फ़ीस में, फ़ीस हो जाएगी 62,550 रुपीज़। समझ में आया? उसी तरह से 2 साल, उसी तरह से 3 साल के लिए आपको प्रोसेस करना होगा। अब एक आपको ऐलान मैं सुना रहा हूँ, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फ़ीस बढ़ने वाली है। अगर आप मिजाज बना रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको लेना है, तो प्लीज़ जल्दी करिए, इससे पहले कि फ़ीस हाइक हो जाए आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आगे बढ़िए बच्चों, अनअकैडमी ने एक और शानदार कदम उठाया है, उसने ऑप्शनल सब्जेक्ट को अलग कर दिया है। बहुत से बच्चों का कहना था कि हमको ऑप्शनल पढ़ना है तो हमें GS की भी फीस देनी पड़ती है, लेकिन बच्चों अब ऑप्शनल आप इंडिविजुअल कर सकते हैं, ठीक है। एक महीने से लेकर पूरे 3 साल तक की फीस का यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कम से कम 6 महीने तो ऑप्शनल ख़त्म करने में लग ही जाता है, अब आपकी मर्जी। रेफरल कोड MNUS मौजूद है, 10% डिस्काउंट के लिए यूज़ कर डालिए। आगे बढ़िए, जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हाइक होने जा रहा है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइस हाइक होने जा रही है। रीज़न ये है बच्चों कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है इसकी, इसलिए इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो प्लीज़ जल्दी करिए। यहाँ पर बच्चों एक और जो है ऑफर का धमाका है, एक और ऑफर है आप लोगों के लिए, जिसका नाम दिया है अनअकैडमी ने कम्बो सब्सक्रिप्शन। बच्चों कम्बो सब्सक्रिप्शन क्या है? तो इसमें आपको जनरल स्टडीज और प्लस ऑप्शनल दोनों मिल रहा है। आप देखिए, अगर एक साल के लिए एडमिशन लेते हैं आप, तो सीधे 9% की छूट मिल रही है और फीस देना होगा 70,153 रुपीज़। सीधे अगर 3 साल का एडमिशन लेते हैं तो 14% की छूट मिल रही है, फीस होगी आपकी 1,21,200 रुपीज़। तो जल्दी करिए। और इसमें एक फ़ायदा और भी है बच्चों, रेफरल कोड MNUS को यूज़ करोगे तो 10% का और बेनिफिट मिलेगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए बच्चों, बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफ 2020 अनअकैडमी इस साल के बीते महीने में, इस साल अन अनअकैडमी इस साल के आखिरी महीने में आपके लिए ऑफर लेकर आई है। यानी अगर आप UPSC CSE की तैयारी GS और ऑप्शनल दोनों लेके करना चाहते हैं, तो प्लस प्लान के लिए जो एडमिशन होगा उसकी फ़ीस होगी 70,153 रुपीज़, प्लस रेफरल कोड MNUS को यूज़ करने के बाद 10% की और छूट लीजिए। UPSC CSE GS और प्लस ऑप्शनल लेना चाहते हैं, UPSC CSE GS आइकॉनिक प्लस ऑप्शनल लेना चाहते हैं आप, तो आपकी फीस होगी 88,705 रुपीज़। एक साल के लिए 88,705 रुपीज़। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो फीस होगी बच्चों, UPSC CSE GS आइकॉनिक प्लस ऑप्शनल की फीस होगी 88,705 रुपीज़। रेफरल कोड यूज करिए MNUS 10% डिस्काउंट के लिए। तो बच्चों ये बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। एक बात तो तय है कि चाहे आप कहीं भी आप अगर जाओगे तो फीस तो लगेगी ही, लेकिन अनअकैडमी जो आपसे सब्सक्रिप्शन फी ले रही है वो बच्चों बहुत ही चीप है। आगे बढ़ते हैं, अनअकैडमी पर कंपटीशन इस समय चल रहा है, क्विज कॉन्टेस्ट चल रहा है बच्चों, 13 कम्बैट्स हो रहे हैं। कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट है 45 मिनट में 60 क्वेश्चन बच्चों, तो आप इसके बारे में तो जानकारी रखते ही होंगे, जीतने वालों को मिलेंगे इनाम। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर नए बैचेस का ऐलान
इस महीने में किया जा रहा है। जैसे 21 दिसंबर से बैचें शुरू हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि अंत है, इसके आगे 28 दिसंबर से भी बैचेस की शुरुआत का ऐलान हो चुका है। तो बच्चों जल्दी करिए, क्योंकि इसमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो अनएकेडमी के मोस्ट सीनियर और मोस्ट एक्सपीरियंस होल्डर टीचर्स हैं, जैसे सुनील अभिव्यक्ति सर, मुरनाल पटेल सर, सुनील अभिव्यक्ति सर, मुरनाल पटेल सर, सिद्धार्थ अरोड़ा सर। तो आप अपने हिसाब से इन बैचेस को ज्वाइन करिए। 10% छूट के लिए यूज़ करिए रेफरल कोड MNUS। बच्चों यहाँ भी बैचेस का अनाउंसमेंट है, आप अपने हिसाब से फैकल्टी देख लीजिए, कोर्सेज देख लीजिए, यूज करिए रेफरल कोड MNUS, यूज करिए रेफरल कोड MNUS 10% डिस्काउंट के लिए। और बच्चों अब वो समय आ चुका है जब हम ये धुएं के जो गुबार हैं ये कुछ कहानी कह रहे हैं। ये स्क्रीन पर आप सफेद और काले धुएं देख रहे हैं, ये एक कहानी की निशानी है। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत होने ही वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम लोग ये देखेंगे कि कैसे फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई, वो फ्रांस जो कुछ ही समय में शोलों में बदल गया, दहकते हुए शोलों में बदल गया। तो बच्चों तैयार हो जाइए, आज है क्रांति का दिन, आज है क्रांति की शुरुआत। तो चलिए हम गौर करेंगे उन घटनाओं पर जिन्होंने फ्रांस को क्रांति की तरफ अग्रसर कर दिया। आखिर क्या ऐसा हो गया कि फ्रांस जो है कुछ समय के लिए क्रांति की दिशा में बढ़ चला। तो चलिए तैयार हो जाइए, तैयार कर लीजिए एक छात्र का जो कॉपी और पेन रेडी करिए, और चलिए चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं। बच्चों आज डे ऑफ द डेस्टिनेशन है, आज क्रांति की बात होनी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। मीर का एक शेर है कि इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। साहिल पे रोज एक घरौंदा बना के देख, अरे लहरें कभी तो हारेंगी तेरे यकीन पर। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। 5 मई सन 1789 ईस्वी, जी हाँ, आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जनता के दबाव में आकर जब लोगों ने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाने की मांग शुरू की, पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया कानून बनाने से, क्योंकि पार्लियामेंट का कहना था कि जब तक स्टेट्स जनरल में बहस नहीं होगी। स्टेट्स जनरल क्या था बच्चों? ये फ्रांस की संसद का नाम था जिसमें फ्रांस के हर वर्ग के नागरिकों का प्रतिनिधित्व होता था। तो पार्लियामेंट का कहना था, पार्लियामेंट एक न्यायालय के समान थी बच्चों। पार्लियामेंट ने कहा कि राजा जब तक कि स्टेट्स जनरल की बैठक नहीं होगी, उसमें सारे प्रतिनिधि नहीं आएंगे, वहां डिस्कस नहीं होगा, कानून वो बनाएंगे नहीं, तब तक हम कानून पर फाइनल मुहर नहीं लगाएंगे। राजा नाराज हो गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था जब राजा के आज्ञा की अवहेलना की जा रही थी। राजा ने सेना को भेज दिया पार्लियामेंट के सदस्यों को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। राजा ने सैनिकों को भेज दिया पार्लियामेंट के सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन ये क्या, सैनिकों ने इनकार कर दिया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय फ्रांस का मूड क्या था। सैनिकों ने पार्लियामेंट के सदस्यों को गिरफ्तार करने से मना कर दिया, उन्होंने अब तो राजा सन्न रह गया कि ये क्या हो गया। आखिरकार राजा ने मजबूर होकर 5 मई सन 1789 को फ्रांस की संसद बुलाने का इरादा किया। बच्चों ये संसद
अंतिम बार जो इसकी बैठक हुई थी वो 1614 में हुई थी। समय को जरा गौर करिए, ये 1789 चल रहा था, यानी एक लंबा समय गुजर चुका था। एस्टेट्स जनरल की बैठक हुए, कहा जाता है कि लोगों को ये भी नहीं पता था कि एस्टेट्स जनरल की कार्यवाही कैसे चलाई जाती है। कहा जाता है कि इससे जुड़े लोग मर चुके थे, दुनिया से जा चुके थे, इससे जुड़े लोग मर चुके थे। किसी तरह से स्टेट्स जनरल की कार्यवाही कैसे होती है इसकी जानकारी प्राप्त की गई। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब राजा ने फ्रांस की संसद की जो है राजा ने फ्रांस की संसद की बैठक बुलाई, 5 मई सन 1789। तो चलिए आइए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम लोग फ्रांस की क्रांति में प्रवेश करने वाले हैं। बच्चों, आप सबका क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे बस मेरा एक ही निवेदन है कि आप लोग क्लास को शेयर करिए, और कुछ नए बच्चों को, कुछ अच्छे बच्चों को क्लास से जरूर जोड़िए। अगर क्लास के लिए कुछ अपना हक अदा करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए आइए, अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम लोग यहां पर बात करेंगे स्टेट्स जनरल के बारे में। कहा जाता है ना कि जो स्टेट्स जनरल थी वो फ्रांस की संसद थी, है ना, इसके तीन भाग थे। इसको उच्च सदन, यानी ये प्रथम सदन जो थी, इसको कहते थे प्रथम सदन। इसमें सामंत वर्ग के लोग बैठते थे, सामंत और कुलीन वर्गों के लोग बैठते थे, समझ में आ गया, हायर क्लास के लोग प्रथम सदन में बैठते थे। अब आ जाइए द्वितीय सदन, इसमें पादरी और धर्मगुरु वर्ग के लोग बैठते थे, और तीसरा था सर्वसाधारण समाज। सर्वसाधारण समाज, समझ में आ गया। राजा ने क्या किया कि राजा ने इसके सदस्यों की संख्या को दुगुना कर दिया था। कितना कर दिया था बच्चों? दुगुना कर दिया था। मतलब ये था कि इसमें देखिए, कहने का मतलब ये था कि कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो लगभग 1200 के बराबर थी। कितनी थी बच्चों संख्या? लगभग 1200 के बराबर थी। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ स्टेट्स जनरल के बारे में, कि अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, मज़ेदार हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले सदन में, जी हाँ, इस सदन में अगर आप देखेंगे तीसरे सदन में तो टोटल 600 लोग थे, दूसरे सदन में टोटल 300 लोग थे, है ना, और बाकी जो है लगभग 300 सदस्यों की संख्या यहाँ मान लीजिए, क्योंकि तभी तो ये करीब करीब 1200 की संख्या हो गई थी, यानी टोटल 1200 लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि स्टेट्स जनरल यानी समाज के तीनों ही वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व होता था। पहले वर्ग में सामंत और कुलीन वर्ग के लोग, दूसरे में पादरी वर्ग के लोग, और तीसरे में सर्वसाधारण समाज था। अब आप समझ गए स्टेट्स जनरल क्या होता था। ये फ्रांस की एक प्रकार से संसद थी। फ्रांस के सामाजिक विभाजन के हिसाब से इसमें सदस्यों का चयन किया जाता था, चुनाव किया जाता था। प्रथम सदन सामंत और कुलीन लोगों का था, द्वितीय सदन पादरी वर्ग का था, और तीसरी सदन, तृतीय सदन सर्वसाधारण समाज का था, है ना। अब ये था कि ये होगा, आई होप, जहां तक मेरी आशा है कि 900 लोग ही होते होंगे, लेकिन राजा ने क्या किया, तीसरे वर्ग का प्रतिनिधित्व तो बढ़ा दिया था, उसने इसे जस्ट डबल कर दिया था।
कुछ रहा होगा, तुष्टिकरण करना चाहता होगा, तो ये 600 हो गए थे। कुल सदस्यों की संख्या लगभग 1200 के करीब थी। समझ में आ गया बच्चों? स्टेट्स जनरल समझ में आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि मजा तभी आएगा, अच्छा तभी लगेगा, जब आप एक एक चीज समझते हुए मेरे साथ चलेंगे। और साथ में क्या करेंगे? साथ में बच्चों ये था, साथ में ये है कि आप नोट करते चलेंगे। तो अब इसको हम लोग मिटा दें, क्लियर कर दें बच्चों, मिटा दें इसको। चलिए यानी 5 मई सन 1789 को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन वर्साय के महल में बुलाया गया। जी हाँ, ये वही वर्साय का महल है जो कुछ समय के लिए अय्याशियों का अड्डा हुआ करता था। इसको, वर्साय के महल को फ्रांस की राजनीति की कब्रगाह कहा जाने लगा था। फ्रांस की राजनीति की कब्रगाह कहा जाने लगा था। इसी महल में 5 मई सन 1789 को स्टेट्स जनरल का जो अधिवेशन है वो बुलाया गया। कहा जाता है कि ये दिन फ्रांस के इतिहास में बहुत खास है। कुछ लोग तो क्रांति की शुरुआत यहीं से मान लेते हैं। 5 मई सन 1789 को फ्रांस की क्रांति की शुरुआत माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है बास्टिल के दुर्ग के पतन से क्रांति की शुरुआत मानते हैं। तो बच्चों चलिए हम एक एक पॉइंट नोट करते चलेंगे कि 5 मई सन 1789 को वर्साय के पेरिस से कुछ दूरी पर ये शीशे का महल था। वर्साय के महल में स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई। ठीक है बच्चों, स्टेट्स जनरल फ्रांस की एक पुरानी संस्था थी, जिसमें फ्रांसीसी सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से फ्रांसीसी समाज के हिसाब से लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। नोट करें बच्चों, लिख लीजिए। चारों तरफ हर्ष का माहौल था। हमेशा बेटा ध्यान रखिएगा, इस डेट को कुछ लोग फ्रांस की क्रांति की शुरुआत का दिन भी बताते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो 14 जुलाई सन 1789 का दिन था जिस दिन बास्टिल के दुर्ग का पतन हुआ। ठीक है, ये दिन फ्रांस के लिए बहुत ही खास था। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो, समझ में आ रहा है? एक एक हेडिंग जो है, यकीन मानिए, दिल को थाम लेने वाली हेडिंग है ये। कहानी से जुड़ने की कोशिश करना बच्चों, क्लियर हो जाएगा ईश्वर की दया से। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, तीसरे सदन के प्रतिनिधियों ने, अब यहां पर ये था बच्चों ना,
कि फ्रांस में वोटिंग का जो तरीका था वो बड़ा अलग था, समझ में आ गया। फ्रांस में जैसे मैंने बताया था ना, प्रथम सदन, ठीक, इसमें लगभग 300 प्रतिनिधि, द्वितीय सदन, इसमें 300 प्रतिनिधि, तृतीय सदन, इसमें 600 प्रतिनिधि। समझ में आ गया बच्चों? अब ये था ना कि एक सदन का एक वोट था, क्लियर हुआ, हर सदन की तरफ से, यानी इसमें प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा जरूर थी लेकिन वोट कितना था, एक ही था। तो ये जो दोनों वर्ग थे ना, ये आपस में मिले हुए थे, यानी प्रथम सदन में कौन लोग थे, एलिट क्लास के लोग थे, सामंत वर्ग के लोग थे, समझ में आ रहा है। और द्वितीय में कौन थे, पादरी थे, इसमें सामंत थे, इसमें पादरी थे, और इसमें कौन था, सर्वसाधारण समाज। समझ में आ गया बच्चों? यानी ये दोनों जो थे ना, ये आपस में मिले हुए थे क्योंकि ये हायर क्लास के लोग थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों वोट ही मिल जाते तो फैसला हो जाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। तो तृतीय सदन के लोग, जिनकी संख्या 600 थी, वो बड़ा ही हताश थे कि कमाल है। अच्छा, राजा को नया टैक्स लगाना था भाई, इसीलिए तो स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई थी। जिन बच्चों ने मेरी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, वो क्लासेस बच्चों देख लीजिए, क्योंकि इतिहास एक कहानी है और इतिहास को कड़ी दर कड़ी समझने का जो मजा है वो लाजवाब है। तो पुरानी क्लासेस मेरी आप जरूर देखिए, जो मैंने फ्रांस की क्रांति के लिए ली हुई हैं, अमेरिका की क्रांति पर भी मैंने कंप्लीट क्लास ली है बच्चों, वो क्लास भी देखिए। फ्रांस की क्रांति पर मैंने जो क्लासेस ली हैं वो देखिए। तो अब यहां पर मैं कह रहा था कि जो तृतीय वर्ग था ना, वो ठगा हुआ महसूस कर रहा था कि कमाल है यार, ये दोनों तो आपस में मिल जाएंगे, दो वोट हो गया इनका, हमारा क्या, हमारा तो कुछ भी नहीं। और जनता सुधार चाहती थी, जनता सिर्फ टैक्स बनवाने से मतलब नहीं रखती थी, सुधार चाहती थी। अब ये था कि जो सर्वसाधारण समाज था वो समझ गया कि हमारा तो मामला खतरे में आ गया, क्योंकि ये दोनों आपस में सांठगांठ कर लेंगे, राजा भी मिल जाएंगे, और इस तरह से दो वोट मिल जाएंगे, काम खत्म, कानून बनेगा नहीं बनेगा, ये दोनों वोट। अच्छा, इसमें ये था कि भाई कानून इन्हीं के खिलाफ बनना था, तो ये दोनों क्यों कानून पास होने देते, ये दोनों मिलकर कानून को क्या कर देते, रद्द कर देते, दो वोट से कानून को निरस्त कर देते। लेकिन तीसरा वर्ग क्या चाहता था, कि ये भी कानून के दायरे में आए, इनसे भी टैक्स लिया जाए, क्योंकि जो सामंत लोग थे, जो सामंत और कुलीन वर्ग के लोग थे, जो पादरी थे, इनके पास प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा हिस्सा था। अब ये था कि जो तीसरा जो सदन था बच्चों, वो जो है ठगा हुआ महसूस कर रहा था। अब तीसरे सदन ने एक प्रस्ताव रखा, क्या प्रस्ताव रखा, तीसरे सदन का प्रस्ताव ये था कि भाई तीनों ही सदन को मिलाया जाए और तीनों को मिलाकर बहुमत से फैसला लिया जाए। जाहिर सी बात है, 300 ये और 300 ये और 600 ये, अगर मान लीजिए ये तीनों मिल जाते तो कितने हो जाते बच्चों, 1200। 600 ये अकेले थे, यानी ये इस बात पे अड़े थे कि भाई सबको शामिल किया जाए, देश में सुधार हो। तो 600 अगर अड़ जाते और ये तीनों मिल भी जाते तो मामला क्या हो जाता, टाई हो जाता। तो इन दोनों ने इनकार कर दिया, प्रथम सदन और द्वितीय सदन ने एक साथ बैठने से इनकार कर दिया, लेकिन एक साथ बैठने से इनकार कर दिया। लेकिन तीसरा जो सदन था वो अड़ा हुआ था, तीसरा सदन यही कह रहा था कि भाई हमारी संख्या ज्यादा है, देश में हमारी संख्या ज्यादा है, और सचमुच में बच्चों 80% जो है वो सर्वसाधारण समाज के लोग थे। इनका कहना था कि भाई हमारी बात वैल्यू रखती है, हम ज्यादा हैं, ये समाज के 20% लोग जो है 80% लोगों के भाग्य का फैसला नहीं कर सकते। फिर क्या था, बड़ा गुत्थम गुत्था हो गया था, बड़ा गतिरोध, बहुत गतिरोध हो गया था। क्या होगा फ्रांस में, क्या होगा, ये तीसरे वाले एकदम अड़ गए थे कि ना, सब मिलकर बैठक होगी और जिसका बहुमत होगा वो फैसला लेगा। भाई सबसे बड़ी बात ये है बच्चों, आपको बस समझना है यहाँ पर, कहानी कहानी को समझने के लिए बस आप स्क्रीन पर मेरे साथ मौजूद रहिए।
केवल जुड़े रहेंगे अगर आप, तो स्टोरी पूरी समझ में आ जाएगी फ्रांस में क्या हुआ था। कहीं मत जाइए, मेरे साथ बने रहिए बच्चों। अब देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर मामला क्या था। एक छोटे से डायग्राम से हम लोग सारा खेल समझ जाएंगे। मैं बार बार समझाने की कोशिश करूंगा ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। मैंने कहा ना कि जो प्रथम सदन था, ठीक, इसमें कौन था? इसमें सामंत और कुलीन वर्गों के लोग थे ना, ठीक। मान लो इसकी संख्या लगभग 300 रही होगी। उसके बाद द्वितीय सदन, इसमें पादरी थे, ठीक है। अब आ जाओ तृतीय सदन, इसमें थे सर्वसाधारण समाज के लोग। ये मान लीजिए 300 हैं और ये कितने हैं? 600। टोटल कितने हैं? 1200। ध्यान देना है बच्चों, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं चीज को आसानी से। अगर आप समझ जाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर ईश्वर की दया से, ठीक, ईश्वर की दया से। चलिए अब यहां पर ध्यान देना, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए, स्टेट्स जनरल के कानून के हिसाब से हर वर्ग के एक वोट बनते थे। एक इनका था, एक इनका था, एक इनका था, यानी टोटल 3 वोट थे, ठीक है। एक प्लस एक प्लस, सॉरी, वन प्लस वन प्लस वन, तीनों के एक एक वोट थे। मैंने कहा ना कि ये दोनों आपस में टाई कर सकते थे क्योंकि इन दोनों के विशेषाधिकार एक ही थे। समझ में आ गया? यानी अगर एक एक दो हो जाते तो तीसरे का नंबर ही नहीं आता। टैक्स किस पे लगना था? सब पे लगना था। जो विशेषाधिकार वर्ग के लोग थे, कुलीन और सामंत वर्ग के लोग, कुलीन और सामंत वर्ग के लोग, पादरी लोग, ये टैक्स अपने ऊपर लगाना नहीं चाहते। तो ये जो तृतीय सदन था जिसमें फ्रांस की लगभग 80% जनता शामिल थी, इनका कहना था कि भाई एक बात बताओ, ये ऊपर वाले दोनों मिल गए तो हम कहाँ गए? भाई हम कहाँ गए? हम 80% लोग हैं, हम 600 लोग हैं, हमारा कोई मतलब ही नहीं, हमारा वोट एक ही है। तो इसका मतलब यह है कि आप तीनों सदन को मिला दीजिए। इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि तीनों सदन की बैठक एक साथ की जाए। ठीक, अगर मान लीजिए तीनों सदन की बैठक एक साथ होती तो ये 600 थे ये, और ये दोनों मिल भी जाते तो कानून पास नहीं हो पाता। तो इनका कहना था तृतीय सदन का कि भाई तीनों सदन की बैठक एक साथ हो वरना अन्याय हो जाएगा। बाकी ऊपर वाले विरोध कर रहे थे कि हम बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता था कि अगर तीनों एक साथ बैठे तो मामला टाई हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि तृतीय सदन के हाथ में बातें चली जाएंगी। इसको लेके गतिरोध पैदा हो गया पूरे फ्रांस में। समझना है बच्चों? अब देखिए कुछ और चीजों को मैं आपको बताता हूं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि यहां पर ना गतिरोध बना हुआ था। राजा रानी देखा जाए तो बेसिकली इन दोनों के साथ थे, लेकिन यहां पर थोड़ा खेल अलग था। इस खेल में मैं आपको बताऊं, मैंने बताया था ना कि जो फ्रांस में पादरी थे वो दो प्रकार के थे, एक उच्च पादरी और एक निम्न पादरी। समझ में आ गया? ये सुविधा प्राप्त लोग थे, ये बहुत ही हायर क्लास के लोग थे, ये
इनको राज्य की तरफ से बहुत सुविधाएं मिली थी, इनको कपड़े तक पहनने के लिए पैसे नहीं थे, ये बहुत ही निम्न, बहुत ही लोअर लेवल पे थे और ये जनता से अटैच थे। जब चुनाव हुआ तो 100 उच्च पादरी थे और 200 निम्न पादरी थे। समझ में आ गया बच्चों? ये जो निम्न पादरी थे ना, ये बहुत ही इनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। तो ये तो समझ ही रहे थे कि अगर प्रथम सदन और द्वितीय सदन मिल भी जाए तो इनका फायदा होना था, ऊंचे वालों का, इनका तो कोई फायदा ही नहीं होना था। तो इन्होंने क्या किया, निम्न सदन से यानी इन्होंने तृतीय सदन से बात करनी शुरू कर दी इन लोगों से, और इन्होंने अपना वोट इनको दे दिया कि भाई जब बैठक होगी तो हम 200 लोग आपके साथ बैठ जाएंगे। समझ में आ गया बच्चों? यानी 800 सदस्य एक तरफ और बाकी 400 सदस्य एक तरफ। समझ में आ गया? मतलब तृतीय सदन का जो पलड़ा था वो भारी हो गया। कलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए, बताइए। अगर कोई दिक्कत हो तो YouTube के नीचे मेरी टेलीग्राम आईडी है, वहां क्लिक करके जुड़िए और मुझे बताइए। समझ में आ रहा है खेल गुणा गणित? समझ में आ रहा है? यहां पर देख रहे हैं ना कि निम्न वाले जो पादरी थे, 200 ये लोग गए थे चुनके, क्योंकि इनकी पैठ बहुत ज्यादा थी। ये आम जनता, ये आम जनता से जुड़े हुए लोग थे। अब ये मिल गए तृतीय सदन के साथ, कुल संख्या कितनी होगी तृतीय सदन की, 800, और ये कितने हो गए, 400। अब मामला फंस गया, अब राजा हो गया परेशान कि अब क्या किया जाए, क्योंकि राजा तो चाहता था कि भाई उच्च वर्ग को फायदा हो, है ना। लेकिन राजा हो गया परेशान, और कहा जाता है कि 17 जून सन 1789 को तृतीय सदन ने स्वयं को ही फ्रांस का जो है क्या घोषित कर दिया, फ्रांस का संसद घोषित कर दिया, स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया तृतीय सदन ने। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? यानी तृतीय सदन ने स्वयं को फ्रांस की राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया और कह दिया कि भाई हम 800 हैं, हम लोग 800 हैं, 400 से कोई लेना देना नहीं है, और स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए? क्लियर हुआ? तो चलिए इसको मिटा के लिख दिया जाए, हम लोग इसको मिटाते हैं और लिख डालते हैं कि तृतीय सदन का पलड़ा धीरे धीरे भारी पड़ता चला गया। लिखेंगे हमारा हेडिंग तो ये बच्चों, क्रांति की शुरुआत। ठीक, और क्या लिखेंगे कि तृतीय सदन है ना, जिसे हम कह सकते हैं सर्वसाधारण समाज, का पलड़ा भारी पड़ता चला गया। ठीक है, निम्न पादरी भी यानी लोअर लेवल के जो पादरी थे सर्वसाधारण समाज के साथ मिल गए। ठीक, अब क्या हो गया? अब यह है कि 17 जून सन 1789 को तृतीय सदन ने स्वयं को फ्रांस की राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। स्वयं को फ्रांस की राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। क्लियर हो रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई 800 ये हो गए,
इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। और आपको पता है ही है भाई, जिस तरफ शक्तिशाली लोग जाते हैं, जाहिर सी बात है कि इतनी ज्यादा इनकी संख्या थी, 80% ये जनता के लोग थे, लेकिन इनको थर्ड सदन कहा गया था और इनके साथ अन्याय बहुत ज्यादा था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जो निम्न पादरी थे वो इनसे जुड़ गए और आखिरकार इनकी संख्या बढ़ गई। और इन्होंने कह दिया कि 80% हम हैं, तो इसका मतलब कि फ्रांस की जो राष्ट्रीय सभा है वो हम ही है। तो इस तरह से 17 जून 1789 को सर्वसाधारण सभा, तृतीय सदन यानी सर्वसाधारण समाज ने स्वयं को फ्रांस की राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। मतलब आप समझ गए होंगे कि सीधे सीधे फ्रांस की राजनीति का जो झुकाव था वो वहां के आम जनता के हाथों में आ गया था। अब इन्होंने तो कहने का मतलब कि साबित भी कर दिया था। अब ये था कि कहा जाता है कि जब ये लोग मिल गए सर्वसाधारण समाज के साथ, निम्न वर्ग के पादरी, तो ये था कि फिर से सभा की बैठक बुलाई गई थी। ये लोग बैठक में जा भी रहे थे, इनका कहना था कि चलो अब तो हमारा पल्ला भारी हो ही गया, अब वोटिंग भी होती है तो हम ही भारी पड़ जाएंगे, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर राजा डर गया, क्योंकि राजा को पता था कि इनकी संख्या बढ़ गई है, अगर वोटिंग होती भी है तो इन्हीं का मत भारी पड़ जाएगा। तो राजा ने क्या किया, सभा भवन का द्वार ही बंद करवा दिया। जब ये लोग सभा भवन में बैठने के लिए पहुंचे, एक्चुअली में देखिए बच्चों, यहां पर ना राजा ने लगातार भूल की, लगातार गलती की। अगर उसने समाज की बातों को सुना होता, उसने लोगों की बातों को सुना होता, तो अब भी लोगों के दिलों में अपने राजा के प्रति बहुत प्यार था। जो साधारण सर्वसाधारण समाज के लोग थे, सर्वसाधारण समाज के लोग थे, जब सभा भवन में बैठक के लिए पहुंचे भारी संख्या के साथ, तो राजा डर गया था, क्योंकि सामंत लोगों का दबाव बन रहा था कि बैठक नहीं होनी चाहिए, अगर बैठक होगी तो इनका पल्ला भारी पड़ेगा और फिर राजा का कानून जो है वो सब पर लागू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है, जो सामंत और कुलीन लोग थे वो डरे हुए थे और वो राजा पर प्रभावित थे। उन्होंने रानी को अपने जो है रानी को उन्होंने रानी पर दबाव बनाया हुआ था कि वो राजा को मोटिवेट करे। और आखिरकार राजा ने एक बहुत ही गलत कदम उठाया और उसने सभा स्थल को बंद करवा दिया। वर्साय के महल में जहां बैठक होती थी उसको बंद करवा दिया। अब आपको मैं बताऊं, ये सारे लोग वहां जाने के बाद ऐसा लगा कि जैसे ये छले हुए महसूस कर रहे हैं कि यार तुम मतलब कहीं से नहीं चलने दे रहे हो। कहा जाता है कि आखिरकार जो है, देखिए, राजा ने 20 जून 1789 को सभा भवन बंद करवा दिया। यार ये तो एकदम से आम जनता के साथ अन्याय वाली बात थी। 20 जून 1789 को राजा ने सभा भवन बंद करवा दिया। चलिए इसको हम लोग एक एक लाइन बच्चों नोट करते हुए हम लोग चलेंगे, है ना। अगर लिखते हुए चलेंगे ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो हम लोग इसको नोट करेंगे कि जब तृतीय सदन सभा भवन में बैठक के लिए आगे आया तो राजा ने सभा भवन का गेट बंद करवा दिया। तो हम लिखेंगे यहां पर, जब तीसरे सदन के लोग 20 जून सन 1789 ईस्वी को
बैठक के लिए सभा भवन पहुंचे। सभा भवन का गेट राजा ने बंद करवा दिया। राजा ने बंद करवा दिया। देखा आप लोगों ने, यानी राजा ने लगातार गलती पे गलती की। और यकीन मानिए, ये बिल्कुल सही नहीं था। लोग एकदम उग्र हो गए, लोग एकदम नाराज हो गए, क्योंकि जब वो सभा भवन पहुंचे तो देखा गेट बंद है। ठीक है, दरबानों ने कहा कि भाई वो दूसरे बैठक की तैयारी की योजना चली, दूसरे दूसरे बैठक की तैयारी के लिए गेट बंद कर दिया गया। लोग एकदम नाराज थे, हताश भी थे, छले हुए थे। फिर उसी में से जैसे भीड़ को चीरती हुई एक आवाज आई कि कोई बात नहीं, बैठक सभा भवन में नहीं होगी तो बैठक टेनिस कोर्ट में होगी। बगल में ही टेनिस कोर्ट था, वहीं पर पूरी जनता आगे बढ़ चली और इस तरह से टेनिस कोर्ट में बैठक हुई। मोनियर ने प्रस्ताव तैयार किया और गरज कर जो है किसी ने बोला कि हम फ्रांस की जनता हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। तो चलिए देखा जाए, यहां पर देखिए, टेनिस कोर्ट में तीसरे सदन ने शपथ ग्रहण किया। आगे लिखेंगे कि तीसरे सदन ने टेनिस कोर्ट में शपथ लिया। टेनिस कोर्ट थोड़ी दूरी पे था, शपथ ग्रहण किया। टेनिस कोर्ट में शपथ ग्रहण किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप जुड़े हैं बच्चों स्टोरी के साथ एकदम से, है ना? यहां पर इस तृतीय सदन ने यह घोषणा कर दी कि अब चाहे जो भी हो जाए, जब हमारे साथ दगाबाजी हो ही गई है तो अब चाहे जो भी हो जाए हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। शर्त चाहे जो भी हो मंजूर होनी चाहिए, शर्त चाहे जो भी हो मंजूर होनी चाहिए। जंग हो या मोहब्बत हो भरपूर होनी चाहिए। जो तौर है दुनिया का उस तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उस तौर से बोलो। बहरों का ये शहर है जरा जोर से बोलो, बहरों का ये शहर है जरा जोर से बोलो। जनता एकदम उमंग में थी, षड्यंत्रकारी अपने अपने बिलों में घुस चुके थे। जनता ने ऐलान कर दिया कि अब चाहे कहीं भी बैठक होगी हम भाग लेके रहेंगे, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जनता का उद्घोष था। यकीन मानिए, टेनिस कोर्ट की जो बैठक थी वो फ्रांस में इतिहास की एक एक नई परंपरा की शुरुआत थी। राजा एकदम से डर गया था, राजा डर के मारे कांपने लगा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये लोग जो है वापस चले जाएंगे। ठीक है, ये लोग वापस चले जाएंगे और क्या नाम है, दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन उल्टा हो गया, टेनिस कोर्ट की बैठक ने राजा को हिला कर रख दिया। आखिर में राजा ने तीसरे सदन की बात को मानते हुए कहा कि ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। यानी राजा एक बार फिर झुकने पर विवश हो गया। उसने इस जन दबाव को मानते हुए 23 जून सन 1789 को तीसरे सदन की बैठक बुलाई। यहां पर देखिए, राजा ने दबाव में आकर 23 जून सन 1789 को तीनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई। मैंने आपसे कहा था
कि जनता बहुत प्रभावशाली होती है, शासन चाहे कितना ही कठोर क्यों न हो, जनशक्ति के आगे कोई भी शासन लंबे समय तक नहीं रुक पाता। तो यहां पर देखिए बच्चों, है ना, यानी वहां का शासन बहुत ही कठोर था लेकिन फ्रांस की जनता के सामने नहीं टिक पाया। यहां पर बच्चों एक चीज ध्यान देना है, है ना बच्चों, मैं यही कहना चाहता हूं कि वहां का जो शासन था ना फ्रांस का, बहुत कठोर था, बहुत दमन किया उसने, लेकिन जब जनता सड़कों पर आई तो आखिरकार में वहां के शासन को झुकना पड़ा था। ये चीज मैं आपसे बता रहा हूं कि 23 जून सन 1789 को, राजा झुकने पर मजबूर हो गया। तीनों सदनों की संयुक्त जो बैठक है वो बुलाई गई, ठीक है, तीनों सदनों की। तो हम यहां पे नोट करेंगे बच्चों, क्योंकि हम लिखते हुए चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। हम यहां पर लिखेंगे तीसरे सदन अर्थात राष्ट्रीय सभा के दबाव में आकर अंततः राजा को झुकना पड़ा। और23 जून सन 1789 ईस्वी को राजा ने तीनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई, तीनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई, आखिरकार राजा को झुकना पड़ा। बच्चों सबसे बड़ी चीज है ना कि जो जनता है वो बहुत पावरफुल है, और वास्तव में जनता जब सामने आती है तो कठोर से कठोर शासन भी मजबूर हो जाता है। तो वहां का शासन बहुत ही कठोर था और आखिर में उसे मजबूर होना पड़ा। लेकिन बच्चों एक चीज मैं बताऊंगा कि फ्रांस का जो राजा था ना, उसने एक के बाद एक लगातार गलती की, और यकीन मानिए उसी की गलतियों की सजा, उसकी गलतियों की सजा अंततः उसे मिली थी। यहां पर देखिए, राजा ने बैठक तो बुला ली लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। उसने साफ कर दिया कि जो विशिष्ट जन है, विशिष्ट जन में कौन होता है बच्चों, सामंत और कुलीन, जो विशिष्ट जन है उनका विशेषाधिकार बना रहेगा। एक्चुअली में राजा ने ये फैसला जो लिया था बच्चों, ये अपनी पत्नी के बहकावे में आकर लिया था, बना रहेगा। असल में सामंतों का दबाव था उस पर, सामंतों ने पत्नी को अपनी तरफ मिला ली, सामंतों ने उसकी पत्नी को अपनी तरफ मिला लिया था, और उसकी पत्नी ने राजा को समझाया कि वो विशिष्ट जनों के अधिकारों को बनाए रखे, और इस तरह से राजा ने ये ऐलान कर दिया कि जो भी विशिष्ट जनों का अधिकार है, विशेषाधिकार है, वो सब कुछ बना रहेगा, उनकी संपत्ति बने रहेगी,
ठीक है, उनका जो टैक्स का अधिकार है वो सब कुछ बना रहेगा। ये मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों के ये बहुत ही अन्यायपूर्ण राजा का कदम था। ठीक है, कहा जाता है कि ये तो सारी बात खत्म हो गई ना, जिसके लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी वो तो सारा मामला ही खराब हो गया। अब यहां पर कहा जाता है कि राजा ने भाषण दिया, उसने कहा कि जो भी सामंत और कुलीन वर्ग के लोग हैं उनकी संपत्ति भी वैसे रहेगी, उनके उनका विशेषाधिकार भी वैसे ही रहेगा, लेकिन सर्वसाधारण समाज क्या चाहता था वो इसी के लिए तो मैदान में आया था कि भाई एक राजा सबका राजा होता है, एक राजा के लिए कोई खास और कोई आम नहीं होता। उनका कहना था कि भाई अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो उनसे भी टैक्स दिलवाइए। भाई हम कहने का मतलब यह है कि उनके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, लेकिन टैक्स हम क्यों पे करें। यह बात सर्वसाधारण समाज के लोग कह रहे थे। राजा ने भाषण दिया कि नहीं, जो विशेषाधिकार है वो सब बना रहेगा, उनकी प्रॉपर्टी बनी रहेगी, वो टैक्स ले सकेंगे सब कुछ। जो 80% फ्रांस की जनता थी वो अपने राजा का चेहरा देख रही थी कि ये हमारा राजा है, ये हमारा राजा है कि उन सामंतों का राजा है, कुलीन वर्ग उस सामंतों का राजा है। जनता चुपचाप बैठी रही, राजा भाषण दे रहा था और राजा भाषण दे के चला गया, जनता बैठी रही। जैसे लग रहा था कि जनता को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि ये सब क्या हो गया। राजा भाषण देके चला गया, जनता बैठी हुई है, किसी अधिकारी ने जाकर बोला कि लोग जनता बैठी है, लोग जा नहीं रहे, सभा भवन खाली नहीं कर रहे। राजा ने कहा उन्हें बैठने दो। तभी मिराबो नाम का एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा कि हम यहां पर आपका मुंह देखने नहीं आए हैं, हम डिसीजन लेने आए हैं और डिसीजन होके रहेगा। मतलब जब मिराबो ने ये बात बोली तो गर्जना, मिराबो की गर्जना से पूरा सभा भवन गूंज उठा। मिराबो ने कहा कि हम यहां आपका चेहरा देखने नहीं आए, हम यहां बैठने नहीं आए, हम इंसाफ लेने आए हैं और हम इंसाफ लेकर रहेंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो यहां पर हम लिखेंगे सर्वसाधारण समाज के, या कहेंगे तीसरा सदन। सदन में सन्न रह गया, क्योंकि उसकी आशाओं पर तुषारापात हो गया। उसकी आशाओं पर तुषारा बात हो गया। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। कहा जाता है कि इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ गया था राजा के ऊपर कि राजा ने आखिरकार 27 जून 1789 को तीनों सदनों को एक साथ बैठने की अनुमति दे दी। असल में मामला ये था बच्चों ना, कि जो बाकी सामंत और कुलीन लोग थे ना, उनको मामला समझ में आ गया था, लेकिन राजा को मामला समझ में नहीं आया। दरअसल जो कुलीन और सामंत वर्ग के लोग थे वो समझ गए थे कि अगर हम इनके साथ नहीं मिले तो ये सभी उन्हें चुन चुनकर पकड़ पकड़ कर मार डालेंगे। और आखिरकार धीरे धीरे जो पहला सदन था, जो उच्च सदन था, वो भी तीसरे सदन के साथ आकर मिल गया और इस तरह से राष्ट्रीय सभा ने स्वयं को संविधान सभा घोषित कर दिया। किसी विद्वान ने कहा है
कि राजा की शक्ति सीधे उसके हाथों से निकलकर जनता के हाथों में आ गई। तो देखा बच्चों आपने, सबसे बड़ी जो अदालत होती है वो जनता की अदालत होती है, वो पब्लिक की अदालत होती है। अगर कोई ये समझे कि पब्लिक बेवकूफ है, पब्लिक समझदार नहीं है, जनता समझती नहीं है, तो ये गलत है। बस कहा जाता है कि एक जनता जब जब अति हो जाती है बच्चों, तो आखिरकार जनता फैसला करती है। तो यहां पर इस चीज को नोट करें, फिर हम लोग नोट कर लें बच्चों इसको। चलिए इसको मिटा देते हैं। मिटा देते हैं और लिखते हैं कि इस तरह से, अच्छा राजा जो है, मतलब देखा आपने यहां पर जो संयुक्त बैठक की मांग हो रही थी ना, वो राजा ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आखिरकार 27 जून को राजा को मानना ही पड़ा कि अब संयुक्त बैठक होगी। और संयुक्त बैठक से पहले ही पूरा का पूरा सदन एक हो चुका था। तो हम लिख देंगे यहां पर, हम नोट कर लेंगे कि 9 जुलाई सन 1789 को जो राष्ट्रीय सभा थी उसने स्वयं को संविधान सभा घोषित कर दिया। और यही दिन कहा जाता है कि राजा की जो शक्ति है वो जनता के हाथों में समाहित हो गई। 9 जुलाई सन 1789 को राष्ट्रीय सभा ने स्वयं को संविधान सभा घोषित कर दिया। तो हम लोग यहां पर नोट कर लेंगे 9 जुलाई सन 1789 को राष्ट्रीय सभा ने स्वयं को संविधान सभा घोषित कर दिया। नौ जुलाई सन 1789 को राष्ट्रीय सभा ने स्वयं को संविधान सभा घोषित कर दिया। एक्चुअली में सारा जो सदन था बच्चों वो इसी में विलीन हो गया। जो सामंत और तमाम लोग थे वो भी धीरे धीरे इनके साथ मिल गए, क्योंकि इनको लग गया कि बहुत दिनों तक आप राजा की जो शक्ति है वो सलामत नहीं है, चूंकि जनशक्ति महाशक्ति होती है। और वाकई में ये एक प्रजातंत्र की विजय थी। तो चलिए आइए यहां पर हम लोग देखते हैं बच्चों, आगे थोड़ा बात करते हैं इस पर। अब ये था कि कुछ और घटनाओं पर हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। एक चीज आपको मैंने बताया था कि जो वित्त मंत्री था नेकर, पिछले क्लासेस में मैंने बताया था कि बड़ा योग्य एक वित्त मंत्री था नेकर, जिसको हटा दिया गया था राजा के द्वारा। लेकिन जब स्टेट्स जनरल की मांग शुरू हुई तो नेकर को फिर से वित्त मंत्री बना दिया गया था, लेकिन 11 जुलाई को नेकर को उसके पद से हटा दिया गया। वित्त मंत्री को, जो सबसे ज्यादा आम जनता में प्रचलित था, उसको उसके पद से हटा दिया गया। हटा दिया गया, करेक्ट है बच्चों। वित्त मंत्री नेकर, जो बहुत ही ज्यादा चर्चित था, उसको उसके पद से हटा दिया गया। मतलब ना, राजा कहने का मतलब कि राजा अभी भी शंकालु था।
राजा अभी भी शंका से भरा हुआ था। और उसे राष्ट्रीय सभा पर विश्वास नहीं था। और उसे राष्ट्रीय सभा पर विश्वास नहीं था। लगातार वो षड्यंत्र किए जा रहा था। ये तो एकदम से गलत बात थी ना, समझी वाली बात थी ना। इसके अफवाहों का दौर शुरू हो गया है ना। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चों, इसको मिटाने जा रहा हूं। इसी समय अफवाहों का दौर चला, यानी पेरिस का माहौल एकदम गर्म था। लोगों को यह सूचना मिली कि राजा सेना भेज रहा है पेरिस में, गिरफ्तार करने के लिए राजा पेरिस में सेना भेज रहा है। और जो राष्ट्रीय सभा थी, या जो फ्रांस की जनता थी, वो बिल्कुल बगावत पर आमादा हो चुकी थी। और पेरिस के लोग उस सेना से भिड़ने के लिए हथियार जमा करने लगे थे, यानी पेरिस में हथियारों की जमाखोरी शुरू हो चुकी थी। जनता ने हथियार उठा लिया था, जनता ने तलवार उठा लिया था। एक अफवाह उड़ी कि राजा ने सेना भेज दी है लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। लोग खड़े हो गए उस सेना से लड़ने के लिए, और लोगों ने पेरिस में लोगों ने हथियार जमा करना शुरू कर दिया। ठीक है ना बच्चों, कहा जाता है कि ये 14। अच्छा, बहुत सारी दिक्कतें थी। फ्रांस में उस समय भूखमरी और सूखा पड़ा हुआ था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो लोगों ने सोचा कि अब एक ही रास्ता है, या तो ये भ्रष्ट शासन खत्म होगा, या लड़ लड़कर हम अपनी जान दे देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे लिखते हैं। उस समय फ्रांस के आर्थिक हालात खराब थे। उस समय फ्रांस की आर्थिक दशा खराब थी। फ्रांस में सूखा पड़ा था, फ्रांस में सूखा पड़ा था, और लोगों के सामने खाने के लाले पड़े थे। और लोगों के सामने खाने के लाले पड़े थे, है ना। ये हालात था। एक तो खुद ही लोग एकदम परेशान थे। इसी समय अफवाह उड़ गई, इसी समय अफवाह उड़ गई कि इसी समय अफवाह उड़ गई कि इसी समय अफवाह उड़ गई कि राजा पेरिस में सेना भेज रहा है।
लोग बेकाबू हो गए। हथियार इकट्ठा होने लगे, हथियार इकट्ठा किए जाने लगे। हथियार इकट्ठा किए जाने लगे। ठीक है, 14 जुलाई सुबह का समय, 14 जुलाई सन 1789 सुबह का समय था। भीड़ एकदम तैयार थी सैनिकों से निपटने के लिए। कहा जाता है कि हथियारों की लूट मची थी पेरिस में। हथियारों की लूट मची थी पेरिस में। किसी ने कहा कि पेरिस से थोड़ी दूरी पर बास्तील का एक दुर्ग था जिसमें कैदियों को रखा जाता था। किसी ने कहा कि हथियार बास्तील के दुर्ग में काफी रखा हुआ है। भीड़ बास्तील के दुर्ग पर चल पड़ी, भीड़ बास्तील के दुर्ग की तरफ चल पड़ी। कहा जाता है 14 जुलाई सन 1789 को भीड़ ने बास्तील पर आक्रमण कर दिया। जी हाँ, जो कुछ मिला सब लूटपाट हो गया। कैदियों को जनता ने छुड़ा लिया और बास्तील के किले को ढहा दिया गया। कहा जाता है कि 14 जुलाई सन 1789 को फ्रांस में क्रांति की शुरुआत का दिन माना जाता है। राजा को जब ये सूचना मिली कि बास्तील का दुर्ग जनता ने ढहा दिया, राजा के मुख से निकला, ये तो विद्रोह है। बगल में खड़े हुए एक दरबारी ने कहा, राजन ये विद्रोह नहीं क्रांति है। और यकीन मानिए फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हो गई। एक ब्रिटिश राजदूत जो है वो उस समय मौजूद थे पेरिस में, और यकीन मानिए उनका नाम है डॉर्सेट। डॉर्सेट ने लिखा था कि वास्तव में इसी दिन से फ्रांस जो है एक प्रजातांत्रिक देश के राह में अग्रसर हो गया। तो बच्चों, अभी तो हमने क्रांति की शुरुआत करी है, अभी तो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से फ्रांस की जनता ने उस निकम्मी और निरंकुश सत्ता का अंत किया, किस तरह से फ्रांस की जनता ने सामने आकर अपने देश को बचाने की कोशिश की। तो अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है इसके बारे में शुरुआत की है। अभी बच्चों, फ्रांस की क्रांति से जुड़ी और भी घटनाएं हैं जो आपको मुझे बतानी है, लेकिन इस क्लास में नहीं, बल्कि आपको इंतजार करना होगा अगली क्लास का, है ना बच्चों। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि फ्रांस की जनता ने एक निरंकुश और कह सकते हैं बोझिल सरकार का अंत किया था। एक सरकार का कर्म होता है, राजा जो है बिलासी था, राजा निरंकुश था, राजा ने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया। तो बच्चों यहां पर वही चीज है कि हम लोग आगे जो है फ्रांस की क्रांति पर और भी बातें करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, कल मुलाकात होगी सुबह 11 बजे। तो यहां पर बच्चों आपको मैं थोड़ा टाइमिंग बता दूं क्लास की। हम लोगों के क्लास की टाइमिंग है सुबह में 11 बजे और शाम में 6:30 बजे, ठीक है? इसको ध्यान देना है। और साथ में ये भी है कि बच्चों 29, 30 और 31 दिसंबर को हैप्पी न्यू ईयर की क्लासेस, यानी न्यू ईयर स्पेशल क्लासेस होनी है अनअकैडमी के ऐप पर। तो आप सभी रहिएगा तैयार, क्योंकि दोनों मीटिंग में हम लोग क्लासेस लेंगे और विश्व इतिहास पर ये क्लासेस आधारित होंगी। बच्चों आप सबसे एक गुजारिश और है कि आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मेरा नाम सर्च करेंगे, MOHDNADIM, और यहां लिखेंगे मोहम्मद नदीम स्पेशल क्लासेस। और सीधे बच्चों यहां मेरे स्पेशल क्लासेस खुल के आ जाएंगी।
आप जितने भी स्पेशल क्लासेस मैंने ली हैं, सब के सब आप देख लीजिए। यहाँ देखिए, मैंने स्पेशल क्लासेस को एज ए एग्जांपल लगाया हुआ है। ये सारी क्लासेस मैंने आपके लिए ली हैं, यानी मॉडर्न हिस्ट्री की मेंस की क्लासेस यहाँ पे हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मौजूद हैं। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इससे पहले कि ये क्लासेस ऐप से हट जाएं, आप ये सारी क्लासेस जल्दी से कर लीजिए, इसको इन सब क्लासों से फ़ायदा ले लीजिए। और बच्चों, अंत में एक चीज़ और कि अगर आप अनकेडमी पर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो रेफरल कोड की जगह यूज़ करिए MNUS10% डिस्काउंट के लिए। साथ में ये भी कि अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो बच्चों, तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, इसको शेयर ज़रूर कर देना, इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है ना? और आप सब क्लास में आए, इसके लिए तहे दिल से आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में लेट्स क्रैक इट।